हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको दे रहे हैं मैथ्स आंसर की एंड सॉल्यूशन सी टेट सेकेंड शिफ्ट, परीक्षा तिथि 7 जुलाई 2019। चलिए अब हम दिखाते हैं इसके आंसर की और सॉल्यूशन। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो रेड रंग का बटन है इसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बराबर में एक बेल का आइकन भी है इसे भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो के बराबर में एक लाइक बटन है उसे भी दबा दीजिए, और अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, यहाँ मैं आपको सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ और आंसर भी बता रहा हूँ। तो 31 का जो आंसर है वो है फर्स्ट, तो 31 का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, यानी 30 स्क्वायर × 7³। अब देखिए कैसे है, तो हम जानते हैं जो SCF होता है वो सबसे न्यूनतम नंबर पावर होती है, तो 2 में देखिए न्यूनतम क्या है, 2³, ठीक है, और 3 में न्यूनतम क्या, 2 का स्क्वायर है इसमें, और 4 में है 4 यानी 5 में भी स्क्वायर ही है, और जो 7 में है न्यूनतम 7³ है, ठीक है। अब स्क्वायर वाले को एक साथ ले लीजिए, 2 × 6 = 30, ये 30 का स्क्वायर हो गया और ये 7³। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, 30 का स्क्वायर और 7³, यानी कि फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू है, यदि 52272 p² q³ r⁴ है तो pqr अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2p + q - r याद कीजिए। तो इसके लिए हम क्या है, इसके टुकड़े करेंगे, और इसके जो टुकड़े आएंगे देखिए वो आएंगे 2 × 2 × 2, और फिर आएंगे ये 4 बार आएगा, 3 जो आएगा वो 3 बार आएगा, और 11 आएगा 2 बार, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से समझना, तो यहाँ पर इसके स्थान पर हमने लिखा 2⁴, 3 का क्यूब और 11 का स्क्वायर। अब इसकी तुलना कर देते हैं हम इधर से, किससे, p⁴, यहाँ पर देखिए तुलना करेंगे, 4 वाला घात क्या है, r है, तो 4 वाला क्या है r है, तो r बराबर हो गया 2, 3 घात वाला है यहाँ पे q, तो q बराबर आ गया 3, 2 घात वाला है यहाँ पे p, तो p बराबर आ गया 11, ठीक है, और इसे हम यहाँ पर रख देंगे आंसर हमारा आ जाएगा, यानी 11 × 2 = 22 + q = 3 और -2, तो कितना आंसर हो गया, तो 22 × 3 = 25, 25 में से 2 गए ये आ गया 23, तो राइट आंसर हो गया इसका 23। राइट आंसर कितना आ गया इसका 23, इसका राइट आंसर हो गया 23 इज द राइट आंसर, यानी कि तीसरा। क्वेश्चन नंबर 33, यदि 7 अंकों वाली संख्या 72 से विभाज्य है तो 2x + y का मान होगा, तो यहाँ आपको बता दें देखिए 72 के अगर हम टुकड़े करें तो वो होंगे 8 × 9। अब देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान देना, 1, 3, 4, x, 5, 8 और y, कितने डिवाइड करना है इसे 72 से, तो 8 × 9 = 72, ठीक है। अब ज़रा इसको ध्यान समझना, यहाँ पे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा x = 2 और y = 4, तो यहाँ पे x = 2 रखेंगे 2 × 4, यानी इसका जो आंसर आएगा राइट आंसर आएगा 8। अब देखिए कैसे आया यहाँ पे, अब यहाँ पर देखिए ये अंक कोई भी 9 से तब कटता है जब इन अंकों का जोड़ 9 से कट जाए, ठीक है, और 8 से तब कटता है जब लास्ट के 3 अंक जो है 8 से कट जाए, तो लास्ट के 3 अंक देखिए अगर हम 2 रखते हैं तो 5, 8, 8 × 7 = 56 और 2, यानी कि 2 रखने पर 8 से नहीं कटेगा, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो लास्ट के 3 अंक जो होंगे वो 8 से कट जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर तो होना चाहिए था 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या, 4 अगर अंकों का जोड़ 9 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 9 से कट जाती है, तो यहाँ पर देखिए 4 × 8 = 12 × 5 = 17 × 4 = 21 × 3 = 24 × 1 = 25, अब कितना रख दें कि 9 से कट जाए, तो x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, तो x बराबर 2 और y बराबर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर राइट 8, यानी कि तीसरा इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34,
निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरियन त्रिक नहीं है? तो पाइथागोरियन त्रिक का मतलब यह है जो पाइथागोरस की जो साइड नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसमें जो है तीसरा इसका राइट आंसर है 1160 और 63। तो यहाँ पे 1160 और 63 जो है पाइथागोरस की जो है साइड नहीं है। अब क्यों नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी भुजा का हमने वर्क किया, तो वर्क करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने वीडियो डाला कि आप वहाँ से देख सकते हैं, 6 × 36 और 3 × 9, 36 × 18 × 2 = 36। ये रूल है, कितना हो गया, 9 × 6 = 9, यानी कि 3959, ये आ गया। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। अब छोटी दो भुजाओं के वर्ग करते हैं। तो छोटी दो भुजाएं हैं, इसमें 63 वाला हमने बताया था, आप देखिए 60, 60 का वर्ग हो जाएगा 3600 और 11 का वर्ग हो जाएगा 121। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है इसके बराबर नहीं बैठ रहा। ठीक है, ये बैठ रहा 39 और ये बैठ रहा 3721। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू बैठ रहा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग छोटी दो भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर नहीं बैठ रहा। तो इसका मतलब ये पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। तो कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 34 का तीसरा राइट आंसर हो गया 1160 63। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, उस कोण का मान याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, उस कोण की माप याद किया जिसके संपूरक का माप कोणक के पूरक के कोण पूरक पूरक के माप के 4 गुने के बराबर है। अब जरा ध्यान समझना, देखिए इसमें क्या, उस कोण का मान याद कीजिए, यानी कि यहाँ पर जो है उस कोण का मान याद करना है, यानी मान लीजिए वो कोण क्या एक्स है, उस कोण की माप याद किया जिसके संपूरक, तो इसका संपूरक कितना हो जाएगा 180 - x, और इसका पूरक पूरक कितना हो जाएगा 90 - x, और ये जो है 4 गुना है किसका, इसके संपूरक। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, 180 - x = 90 - x, यानी कि ये हो जाएगा 180 - 9 = 36 360 - 4x। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इधर जाएंगे 360 180 4x, ये यहाँ पे 180 - 4x है, मैं उसको और दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 × 90 - x, ये बराबर कितना है 180। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 180 - x। ठीक है, तो 4 × 36 - 4x बराबर 180 - x, तो कितना हो जाएगा ये 3x = 180। 3 × 6 = 18, यानी कि 60 आ जाएगा यहाँ पे। तो तीसरा इसका राइट आंसर आ गया, इसका राइट आंसर आ गया तीसरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। किसी त्रिभुज के कोणों की माप क्रमशः ये है, तो त्रिभुज अवश्य रूप से होगा। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। ठीक है, तो हम तो ये क्वेश्चन नंबर 36 का, इसमें जो हम तीनों के कोणों का योग करके देख लेते हैं, तो हम जानते हैं तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। तो हम इनको जोड़ेंगे तीनों को, x + k 3x + k 20 + k 6x = 180। ठीक है, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पे 16 आ जाएगी। अब देखिए x की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे जो हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, एक x दे रखी है, एक 3x + 20 दे रखी है, और ये 6x दे रही है। तो x की वैल्यू जो आई हमारी 16 आई, तो 16 × 5 = 16 × 96 आंसर आ गया ये वाला। देखिए, जब एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा आ जाए तो वो अधिक कोण होता है, तो इसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर देख लेते हैं। 37 में है क्वेश्चन नंबर, त्रिभुज ABC में और DF में, अब जरा यहाँ से देखना, दो त्रिभुज हैं, एक तो ABC है ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। अब इसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है और इनके बीच का जो कोण है ये इसके बराबर है। तो ऐसा तब होता है जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो जो बची हुई भुजा है वो है 2x - 1 ये वाली, और ये भुजा है 5x - 2। अब चूंकि त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी जो शेष भुजाएं वो भी बराबर होंगी, यानी कि 2x - 1 बराबर आ जाएगा 5x - 4। यहाँ से x कॉम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3x और इधर हो जाएगा 3, तो x बराबर आ गया 1। तो x = कितना आ गया 1, तो राइट आंसर इसका हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 ही आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज है
ऐसे है। किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और दूसरी कितनी 10 सेंटीमीटर है, और मान लीजिए तीसरी क्या एक्स है, और इनका जो परिमाप है वो पी है। तो परिमाप हम जानते हैं सभी भुजाओं का जोड़ होता है, यानी पी बराबर हो गया 10 5 15 प्लस एक्स। ठीक है, अब हमसे क्या कहा कि पी का न्यूनतम और अधिकतम मान। तो अब देखिए यहाँ पे जो है पी का न्यूनतम और अधिकतम मान, तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा पी माइनस 15। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पी के स्थान पर आप रख के देख लीजिए यहाँ पर, जो जिससे त्रिभुज पॉसिबल हो जाए। तो यहाँ अगर हम पी के स्थान पे 19 रखते हैं तो भी यहाँ पे 19 रखेंगे, अगर हम पी के स्थान पे तो ये आ जाएगा 16 × 4। अगर ये 4 आ जाएगा तो छोटी दो भुजाओं का जोड़ बड़ी भुजा से कम है, इसलिए त्रिभुज पॉसिबल नहीं होगा, तो यानी पहला आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, त्रिभुज तभी बनता है जब छोटी दो भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा हो। तो यहाँ पे पी के स्थान पे हमें रख के देखना है कि कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है जिससे त्रिभुज बन जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो तीसरा वाला पार्ट है, यानी कि जो तीसरा इसका पार्ट है 21 और 29, ये इसको जो है सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे हम एक्स के पी के स्थान पर 21 रख रहे हैं तो 21 में ये 6 बचेगा, और हम जब 29 रख रहे हैं तो 29 में जो है ये 14 बचा। अब देखिए 6 रखेंगे तो 6 5 6 और 5 11, छोटी दो भुजाओं का योग बड़ा बैठ रहा है। और दूसरा अगर हम 14 रखते हैं तो 14 और ये हो जाएगा 10 5 15, तो छोटी दो भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा बैठ रहा है, यानी त्रिभुज पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो गया वो 21 और 29 हो गया, 21 और 29 यानी कि तीसरा 21 और 29। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न आंकड़ों को माध्यिका 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो माध्यक y है, तो x y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका हम जानते हैं दिए गए आंकड़ों को ठीक आरोही क्रम में, तो जैसे ही हम इनको आरोही क्रम में रखेंगे तो बीच में कौन सा आएगा ये देख लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे इसमें अगर हम इनको आरोही क्रम में लिखते हैं तो 8 9 और 13 कितने 13 2, तो फिर 14 है 4, के बाद फिर 15 है 3 और फिर 16 2 और फिर 17। तो हम जानते हैं माध्यिका जो होती है वो ठीक बीच वाला पद होती है, तो 7 पद इधर से निकाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, और 7 इधर से निकाल दें 1 2 3 4 5 6 7, तो माध्यिका जो बैठ रही है वो 14 बैठ रही है। ठीक है, 14 पहले कितनी बैठ रही 14। अब देखिए 8 की जगह 18 कर देंगे तो ये पद पहुंच जाएगा आगे, जब आगे पहुंच जाएगा तो मध्य पद जो बैठेगा वो ये वाला बैठेगा। ठीक है, तो ये प्लस इसको जोड़ लीजिए 14 15 कितना हो जाएगा 29 इसका राइट आंसर, यानी तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हाँ 39 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, किसी थैले में 3 सफ़ेद 2 नीली और 5 लाल गेंदें, थैले इधर 6 गेंद निकाली जाती है तो निकाली गेंद लाल रंग की नहीं है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए थैले में जो है आपको बता दें 3 व्हाइट 2 रेड और 5 लाल है। ठीक है, 2 नीली ब्लू हैं ये, 5 रेड है, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हो जाएगी 5/5, यानी अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, यानी 5/10 यानी 1/2। और लाल गेंद नए निकालने की प्रायिकता के लिए 1 में से माइनस कर देंगे, 1 - 1/2 = 1/2, तो राइट आंसर आ जाएगा इसका 1/2 यानी चौथा। क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, किसी घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्र ये है, क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतने सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 8 मीटर चौड़ाई 6 मीटर है, तो इसका आयतन हमें निकालना है। तो देखिए आयतन निकालने के लिए पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, और पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर है 194 के बराबर, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 LV + BH + KHL। अब इसमें जो है लंबाई चौड़ाई रख देंगे, ऊंचाई है नहीं, तो ऊंचाई यहाँ से निकाल लेंगे, ये 92 से डिवाइड कर देंगे तो 92 × 9 = 18 और 2 × 7 = 94 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए LB का मतलब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 6, और यहाँ से H कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 8 और H कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 8 × 6 = 48, 97 में से 48 माइनस कर देंगे ये आएगा 49, और इधर हो जाएगा 8 × 6 = 14। ठीक है, तो अब 14 × H,
तो इसे आ जाएगा एच इज इक्वल टू आ जाएगा 7/2। ठीक है, अब ये हम आयतन में रख देंगे, आयतन होता है एल वी एच, आयतन क्या होता है एल वी एच। अब यहाँ पर रख देंगे, ये 8 है, ये 6 है, ये है 7/2, तो 2 से काट देंगे, 2 3 6, 3 8 24 के 7 से गुणा कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 168। तो राइट आंसर हो गया इसका तीसरा, राइट आंसर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, एक समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका शीर्ष लंब 5-7 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक भुजा 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है, तो लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपको बता दें, समलंब इस टाइप का कुछ होता है और इसकी जो लंबी एक भुजा एक्स है, दूसरी क्या है उसकी 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो यानी कि हो गई एक्स प्लस 6, और बीच की जो है लंबाई शीर्ष लंब वो 7 है। क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो हम जानते हैं समलंब का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 105। समांतर भुजाओं का जोड़ यानी कि एक्स प्लस के एक्स प्लस 6 समांतर भुजाओं का जोड़ 2 गुणा बीच की दूरी। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक सौ, देखिए यहाँ पर 2x, ये हो गया 7 210। ये पहले 7 से काट लेते हैं, 7 3 कम 7, 7 5 35, 15 2 30, 30 माइनस के 6, तो एक्स वाला कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, तो 30 और 2 से और इसको 15 2 30 में 24 30 में 6, और 200 और डिवाइड होगा यहाँ पर, यानी 12 इसका आंसर आ जाएगा, चौथा इसका यहाँ पर 2x होगा, तो 200 और डिवाइड करेंगे तो 12 इसका फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 12 नहीं, इसमें लंबी भुजा पूछी है, तो लंबी भुजा ये छोटी आई 12, तो बड़ी क्या है 6 ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है तो 12 6 18, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, क्योंकि लंबी भुजा पूछी, छोटी भुजा आई थी 12, तो इसका 42 का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 आ गया। एक आधार की त्रिज्या 3 सेंटी, आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवर्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतने सेंटीमीटर, बेलन का आयतन ज्ञात करना, तो लंबवर्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लंबवर्तीय बेलन के वक्रपृष्ठ होता है 2πRH, और ये हमें दे रखा क्वेश्चन में 94.2। तो यहाँ पे देखिए आर की जगह हम रख देंगे कितनी दे रखी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, और पाई को अभी ऐसी रहने देते हैं, और यहाँ से एच निकाल लेते हैं 94.2, तो यहाँ से एच निकालेंगे तो एच बराबर आ जाएगी, यहाँ से सोल्व हो गए 9420/2 इंटू पाई की जगह ये रख देंगे वैल्यू 3.14। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी एच की वैल्यू। अब यहाँ आयतन में रख देते हैं, ये आयतन होता है वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, बस यहाँ पे वैल्यू रख देंगे यानी एच की, सोल्व होकर इसका जो आंसर आएगा 141.3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, 44 देखिए क्या है, 44, 14, 12 और 34 और 30 सेंटीमीटर एक्स जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। देखिए जब इसमें x जोड़ा समानुपात हो जाती है तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो जाता है, तो जब इसमें x जोड़ेंगे तो ये जाएंगी 14+x और 12+x और 34+x और फिर अगली हो जाएगी 30+x, तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों का गुणनफल, तो हम इनकी गुणा कर लेंगे 12+x इंटू 34+x। ठीक है, इजिकल टू हो जाएगा 14+x इंटू 30+x। अब इनकी आपस में जैसे ही गुणा करेंगे तो x की वैल्यू सोल्व होकर जाएगी 6, इधर की इधर गुणा कर लेनी इधर की इधर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6, अच्छा हम यहाँ पर रख देंगे तो 12 5 60 12 6 72 81, 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, तो इसका राइट आंसर आ गया 9, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो गया इसका दूसरा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, निम्न कथन में से कौन सा सत्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, निम्न कथन में से कौन सा सत्य है, तो क्वेश्चन नंबर 45 निम्न समसेट भुज बेलन केवल 4 सममित रेखाएं होती हैं। अब इसमें बता दें, देखिए इसका जो है एक वृत्त में कोई भी सममित रेखा नहीं होती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, एक वृत्त में कोई भी सममित रेखा नहीं होती, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 46। हाँ ये है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए जो संतुष्ट करता है निम्न समीकरण को भी संतुष्ट करता है। तो पहले क्या करना, हमने इसकी टेन के अंदर एंट्री कर देनी है और अंदर एंट्री करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम जैसे इसमें एक्स की अंदर एंट्री करेंगे तो ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस के 60, और ऐसे यहाँ 8 के अंदर एंट्री कर देंगे 8x माइनस के 8 24 और बराबर 5 5 25x माइनस 5 6 20। अब इसको सरल करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे देख रख रख कर देखेंगे कौन से इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो यहाँ पे पहले को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, दूसरे को भी नहीं करेगा, चौथे पार्ट को इसको सेटिस्फाई करेगा। इधर भी 15 आ जाएगा 16 होकर और इधर भी 15 आ जाएगा, बाकी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका राइट आंसर हो गया चौथा। क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। 47 देखिए क्या, इतने प्राप्त करने के लिए इतने में से क्या घटाना चाहिए, तो इतने प्राप्त करने के लिए इतने में से क्या घटाना चाहिए। मान लीजिए इसमें से x घटाया तो ये बराबर होगा ये, तो अब क्या करना आपको 11x इसमें से ये वाला माइनस कर दीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा। तो ये क्या है 5 माइनस के 13x और माइनस के 8 a में से क्या माइनस कर देना, ये माइनस कर देना 11x, जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस के 16y और ये माइनस का 7। अब इसे देख लीजिए जोड़ के कौन सा आंसर बैठ रहा, तो इसको जोड़ेंगे तो राइट आंसर इसका जो बैठ जाएगा तीसरा, इसका राइट है 31, 16 का आएगा इसको 21y माइनस 24x और माइनस के 15 ये आएगा 16 पे, यानी कि ये तीसरा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया इसका तीसरा। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 48 गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 48 का देखिए, इसमें मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जो है इसका फोर्थ इसका ठीक लग रहा है। आप इसमें कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, मुझे इसका फोर्थ लग रहा है कि उनकी गणित में संचरण निपुणता निष्कर्ष है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का सेकेंड ए एंड डी, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए अपग्रेड प्रस्ताव जिन्हें मन, तो इसमें मुझे जो है सेकंड लग रहा है, तो 49 ये जो है इसमें भी मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ 49 में भी। आप क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में किए गए सदियों के समसामयिक निरीक्षण में प्रकाश नहीं डालता, तो इसका जो है मुझे दूसरा इसका लग रहा है, देखिए ये दूसरा इसका मुझे लग रहा है, इन पेडोगोजी में आंसर में थोड़ा सा डाउट रहता है, तो इसमें मुझे पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। 51 क्वेश्चन नंबर 51 का मुझे लग रहा है फोर्थ, बाकी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जिसको बिल्कुल श्योर है इनके आंसर मालूम है, मैं इनमें बस डाउट ही लगा रहा हूँ। हाँ इसका बिल्कुल 52 का श्योर है, 52 का है तीसरा कंट्राडक्शन प्रतिवाद, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। 54 क्वेश्चन नंबर 54 अभी यहीं रह गया था। गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका भी मुझे 54 का भी आंसर मुझे श्योर नहीं है, तो आप इसमें ज़रूर इसमें बताना कौन सा आंसर इसका हो सकता है 54। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 और 56 ये दोनों क्वेश्चन के बारे में, 57 ये तीनों क्वेश्चन के बारे में भी बिल्कुल श्योर नहीं हुए, इसलिए मैं इनके आंसर नहीं बता रहा। अगर आपको किसी को इसका सही आंसर बिल्कुल सटीक मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाना, जिससे और भाई बहन को इसका सही आंसर मिल जाए। अब 58 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन ये है, तो इसमें हमें जो है एक्स की वैल्यू इसमें सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए पहले सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4 में से 2 माइनस के 2 और माइनस के 3 हो जाएगा 6, फिर दूसरा वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे ये माइनस का 3 माइनस का प्लस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा और ये 7 या 21 21 में से 8 गए 13, ये 13 आ जाएगा और फिर नेक्स्ट है 48 में से 6 गए ये बचेगा माइनस के 42 और 42 और 48 में से 42 और 42 की ये मल्टी हो गया 13, ये 48 में से 6 42 बचेगा और यहाँ पर 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 चौक 32
32, और इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आएगा देखिए 343 45 45 में से 32 माइनस कर देंगे। ये हमने हाथों हाथ इसकी मल्टीप्लाई भी कर दिए, ये डिवीज़न है ये बीच में, ठीक है ये डिवीज़न है। 48 को 6 से डिवाइड करना, तो 48 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 8 48, 8 4 32, यहाँ डिवीज़न का चिन्ह है, इसको ज़रा ध्यान देंगे तो 32 आ गया। 45 में 32 गए जाएंगे, ये आएगा आंसर प्लस के 13। तो लास्ट वाला जो है माइनस के 48 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 8 48, 8 4 32 ही आ गया। तो 13 इसका राइट आंसर आ गया, 58 का तीसरा, 58 का तीसरा इसका राइट आंसर हो गया। 59 देख लेते हैं, अवरोही क्रम में याद कीजिए। तो देखिए इनका अवरोही क्रम निकालने के लिए ट्रिक्स होती है। सबसे पहले ट्रिक्स ये है कि हम पहले अंश और हर का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो अंश हर का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर देखिए 5 है। फिर इस तरह दूसरा वाला निकालेंगे 33 38, ये भी 5 है। फिर तीसरा निकालेंगे, ये है 3, और ये फिर ये निकालेंगे 5। और जो ये डिफरेंस होता है इससे अब जो अंश है उसको डिवाइड करेंगे, अंश को, तो 5 से 44 को डिवाइड करेंगे तो लगभग 8 आएगा, ठीक है। और इसी तरह से 5 से फिर 33 को डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। लमसम ले लेते हैं, 3 से 20 करेंगे, 3 6 18, 3 7 21, और 5 से 24 करेंगे, 5 24 5 5 25, ये आ गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर सबसे बड़ा देख लीजिए कौन सी, ये वाली है, तो सबसे बड़ी पहले वाली है, तो 24/49 आ गया। एक तो क्या हो गया 24/44/49, ठीक। तो पहले नंबर 44 में, फिर उससे बड़ी कौन सी है 7, यानी कि यह जाएगा फिर 22/25। उसके बाद इससे बड़ी है 6 है दूसरे नंबर पर, यानी कि 33/38, और लास्ट में है सबसे छोटा 5, यानी 24/49। अब देखिए इसमें कौन सा आंसर है, 24/29, तो कौन सा बैठ रहा, 44/49, 33/38, 24/29 और 24/29। तो इसका राइट आंसर बैठ रहा है तीसरा, 24/29, यानी 44/49, 22/25 और 33/38, तीसरा इसका राइट आंसर बैठ रहा। तो 59 का हो गया तीसरा। अब देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। देखिए निम्न कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है, देखिए ये बताना कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका भी बिल्कुल श्योर आंसर है, या देखिए गुणन गुणन का सहचार्य होता है, बिल्कुल सही है। गुणों में सहचार्य नियम भी होता है, भाग क्रमविनिमय, देखिए ये अला क्रम विनिमय नहीं होता। वर्ण गुणात्मक तत्सम होता, ये भी सही है। व्याकलन क्रम विनिमय नहीं होता, यानी सबट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये भी बिल्कुल सही है, सबट्रैक्शन जो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हो गया दूसरा, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर हुआ इसका, बी, भाग क्रम विनिमय नहीं है। तो मैं समझता हूँ आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।